हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मायो मैक्रोनी। तो इसके लिए मैंने क्या है, एक बाउल मैक्रोनी ले लिया है और मैंने पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं मैक्रोनी और इसे कुछ दिन के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे आप कवर कर देंगे। पहले इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून साल्ट, इसे 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैंने इसे चेक कर लेती हूँ, ये भी थोड़े और होना है तो इसे हम 1 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। ये रेडी हो चुका है तो इसे गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब ये गर्म हो रहा है। अब ये गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे ऑयल 4 टीस्पून। इसमें अब मैं डालूंगी वेजिटेबल्स। ये ऑनियन है, एक मीडियम साइज का था जो मैंने चॉप कर लिया है। ये 1/2 शिमला मिर्च है, ये 1 टमाटो है जिसे मैंने भी कट कर लिया है। अब इसमें पहले डालेंगे ऑनियन और शिमला मिर्च, इसे हम करेंगे 1 मिनट तक फ्राई, फिर डालेंगे टमाटो। और उसे अब हम थोड़ी देर तक फिर फ्राई करते रहेंगे। फ्राई हो चुका है, 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम करते हैं कि डालेंगे साल्ट, एक्चुअली मैंने पहले भी साल्ट इसमें डाला था इसलिए अब अभी थोड़ा सा कम डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। अभी हम डालेंगे 1/4 काली मिर्च। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 स्पून सोया सॉस। और अब इसमें जो मैंने बॉयल किया था मैक्रोनी उसे डाल देते हैं और इसे अब हम मिक्स करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। लगता है फ्राई हो चुका है। अब इसे हम डाल देते हैं 2 स्पून मेयोनीज। और हम गैस को ऑफ कर देते हैं क्योंकि एक्चुअली इसे हम चटपटा बनाना है, इसलिए अब हम डालेंगे इसमें चाट मसाला 1/2 स्पून और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और इसे अब हम निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। और इस तरीके से हो गया हमारा मैक्रोनी रेडी।